गाइस पीयूष के इतने सब्सक्राइबर देख के मेरा पिछवाड़ा जल गया गाइस। ऐसा मैं नहीं, ये लोग कह रहे थे। और गाइस जले भी क्यों ना, ऐसे ऐसे चिरकुट बच्चों के मिलियंस में सब्सक्राइबर हो गया था। जले की ना साला, फुट की भी। बेटा ये क्या बोल रहा है तू? नहीं बोलना था क्या? इतने डिसलाइक आएंगे किसी ने सोची ना होगी। सौरव का भाई है वो। अरे लेकिन डिसलाइक, हाँ मुझे पता है कि यूट्यूब ने डिसलाइक हटा दिया, नहीं दिखते वहाँ पे, लेकिन कमेंट में बच्चों से गालियाँ खानी है तुझे? नहीं। सौरव के 12 मिलियन बच्चे गालियाँ देंगे तुझे, अच्छा लगेगा? नहीं। बच्चों की गालियाँ खानी है तुझे? तारीफ कर बेटा, तारीफ कर उसकी। तारीफ करनी है क्या? आ गए वापस। पहले तो पिछले वीडियो पे जो सपोर्ट मिला ना उसके लिए यहाँ एक एक दिन में बच्चों के एक एक मिलियन सब्सक्राइबर हो रहे हैं। और खैर आज का वीडियो शुरू करते हैं। भाई मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया कि उस बंदे ने किया क्या है। वो जितने भी सब्सक्राइबर है सबके सब सौरभ भैया के। यार इस वाली बात से तो मैं भी सहमत हूँ। एक दिन में एक मिलियन सब्सक्राइबर कैसे? वो भी एक इंट्रो वीडियो बना के। और यार 70 प्लस वीडियो हो गए और अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए। वाह वेल डन वेल डन। बेटा कितनी बार समझाऊं तुझे, तारीफ कर तारीफ। यही बच्चे 1000 क्या है, 10,000 सब्सक्राइबर दिला के ले जाएंगे तुझे, तारीफ कर। हाँ यार कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी राह से भटक जाता हूँ। तो फिर से भाई मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया कि उस बंदे ने किया क्या है। वो जितने भी सब्सक्राइबर है सबके सब सौरभ भैया के। हाँ तो क्या हो गया भाई अगर पीयूष के एक दिन में मिलियंस में सब्सक्राइबर हो गए? अगर सौरव के चैनल पे पीयूष की वजह से 12 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए तो उसके चैनल पे 1-2 मिलियन होने से क्या होता है यार? कट कर देना प्लीज। मेरे भाई बहन जो भी हो तुम, देखो मैं पीयूष से जल रहा हूँ। तो यार फाइनली इसके भी मेरी तरह जली। एक से क्या बोला मैंने? बेटा पक्का बच्चों से गालियां खाएगा तू, अब नहीं समझा रहा मैं तुझे चूतिया। ये सब वीडियो obviously देखता होगा, so I hope कि उसका घमंड थोड़ा कम हो जाए and भगवान करे उसके सब्सक्राइबर यही तरह बढ़ते रहे। भाई देखो मैं नहीं कह रहा कि तुम लोग उसे अनसब्सक्राइब। ये हुई ना बात, बढ़ रहे सब्सक्राइबर तो बढ़ने दो, लेकिन अब हमारी तरफ भी देखो ना यार, सब्सक्राइब करके जाओ यार, लाइक वाइक ठोको प्लीज। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो भाई अब चलते गंजेड़ी जोन, पागल जोन, जो बोलो यार वो तुम हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, समझ गए हो? तो चलो देखते हैं उसका भी। तो मेरा आज का ये वीडियो पीयूष जोशी के ऊपर लास्ट वीडियो होने वाला है। अब इसके बाद से मैं पीयूष के लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैं सच बताऊं तो ये वीडियो बनाने का भी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन काफी हाँ इसका मन कहाँ होता है वीडियो बनाने का, वो तो बन जाती है। अब नशा करने के बाद किसको क्या मालूम क्या हो रहा है ना। कमेंट पढ़ने के लिए मिले थे, जो सबसे ज्यादा कमेंट मेरे को देखने के लिए मिले था या फिर वीडियो में भी मैंने जो बातें सुनी वो सब लोग मुझे यही बोल रहे थे कि पायल जोन तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है, तुम एक छोटे से बच्चे को रोस्ट कर रही हो। पीयूष जोशी तो 10 या 11 साल का बच्चा है, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, तुम व्यूज के लिए उसके पीछे पड़ी हुई। हाँ तो भाई तू व्यूज के लिए उसके ऊपर वीडियो बना रही है क्योंकि पीयूष इक्वल टू व्यूज। अब यार ये ऐसी बकचोदी करती रहती है पूरे वीडियो में, कसम से इसके ऊपर इतने रोस्ट बना देना दिमाग खराब हो चुका है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर तुम्हें वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके ही जाना समझे, कमेंट कर देना जो कुछ भी तुम्हें अच्छा लगा। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बड़े बड़े सपने रुचे रुचे ख्वाब, खुद को रखो मौन ताकि वक्त दे जवाब, बढ़ता काम मेरा देख माँ भी कहती है शाबाश, बेटा तेरा बना ऐसा दुनिया करती है सलाम। बड़े बड़े